जैसा कि आप सब जानते हैं कि जो वॉलमार्ट है वो सुई से लेकर जहाज तक की रिटेलिंग करता है, सब माल सीधे फ्लिपकार्ट पोर्टल से, फ्लिपकार्ट के प्लेटफॉर्म से लोगों के घरों में पहुंचाएगा। और इतनी डीप डिस्काउंटिंग हो रही है कि हमारा छोटा व्यापारी, हमारा खुदरा व्यापारी तो सोच ही नहीं सकता उस लेवल की कंपटीशन करने का। और उसके दो मुख्य कारण हैं, वॉलमार्ट जहां से आता है वहां पे फाइनेंसिंग उपलब्ध है 1 से 1.5% पे, और हमारे यहां व्यापारियों को फाइनेंसिंग उपलब्ध है 11 से लेकर 15% और कई हिडन चार्जेस। लेकिन हम केंद्रीय सरकार से फेयर ट्रेड पॉलिसी की मांग कर रहे हैं, आपके माध्यम से ये प्रदर्शित कर रहे हैं कि ये जो हमारा आज का विरोध प्रदर्शन है ये तो सिंबॉलिक है। लेकिन 15 सितंबर से कॉन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स ने एक व्यापारियों की हिस्ट्री में पहली बार रथ यात्रा निकाली है, जो राजस्थान से होते हुए, यूपी से होते हुए कल नागपुर पहुंची है, जो 15 दिसंबर दिल्ली वापस पहुंचेगी, पूरे देश भर के व्यापारियों को एजुकेट करती हुई, उसके बाद में 16 दिसंबर को आगे की रणनीति तय की जाएगी। और हमें पूर्ण उम्मीद है, विश्वास है कि जो आज का ये हमारा ज्ञापन है ये पूरे देश में सभी डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स पे दिया जा रहा है, दिल्ली में माननीय प्रधानमंत्री जी को दिया जा रहा है, सेम कॉपी हम अभी यहाँ डिप्टी कमिश्नर साहब को देने जा रहे हैं, ताकि ये हमारा एक विरोध प्रदर्शन जो है वो लिखित रूप में भी केंद्रीय नेतृत्व के पास पहुंचे कि काका इसका पूरा विरोध जो है वो पूरे देश भर में हो रहा है।